अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी सूखे झींगे की चटनी। सूखे झींगे को लाकर आप उसे साफ़ कर लीजिए। ये आधा कप सूखा झींगा है, इसे लाकर साफ़ करें और साफ़ करने के बाद ये ऐसे दिखेंगे। अब हम झींगे को साफ़ करने के बाद अच्छी तरह धो लेंगे। 10 मिनट पानी में भिगाएंगे, फिर पानी में से निकाल कर इसे हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। गोल्डन फ्राई करके हम इसे निकालेंगे तेल में से। देखिए, हम इसे गोल्डन फ्राई करके अभी निकाल देंगे। देखिए, हमारा झींगा गोल्डन फ्राई हो गया है। हम इसे ऑयल में से बाहर निकालेंगे और हम इसी कढ़ाई में ऑयल है इसमें, और थोड़ा ऑयल डालने के बाद हम इसमें ये 4 से 5 अदद बड़ी प्याज को स्लाइस कट करके शामिल करेंगे और इसे लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे प्याज को भी। हम इसमें थोड़ा सी नमक शामिल करके फ्राई करेंगे तो हमारी प्याज जल्दी से फ्राई हो जाएगी। देखिए, हमारी प्याज होने आई है। देखिए, हमारी प्याज लाइट गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे 4 अदद बारीक कटे हुए। और इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। ये 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून और थोड़ी सी, और ये थोड़ा सी ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा। हम इसे मिक्स करेंगे और भूनेंगे। हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसे भून लेंगे। अब हम इसे ढककर पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाए। देखिए, हमारे टमाटर गल चुके हैं। देखिए, हमारा ऑयल ऊपर आ गया है चटनी का कितनी अच्छी तरह से। अब हम इसमें फ्राई करे हुए झींगे शामिल कर देंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए, हमारी चटनी अच्छी तरह से बन गई है। अब हम झींगे शामिल करने के बाद इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए और बनाएंगे। अब हम इसे ढक देंगे। 5-7 मिनट के बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे। ये देखिए, हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया शामिल करके। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। Thanks for watching my recipe.